फोकस करिएगा, किसका बात करें हम लोग, ऑडिट। ऑडिट का पहला चैप्टर का नाम क्या है जी हम लोग का, कंसेप्ट नीड एंड पर्पज ऑफ ऑडिट। कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स। तो हम लोग पहला चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑडिट का अगर साधारण भाषा में बात करें तो एग्जामिनेशन करना, जांच करना, किसी भी चीज़ का जब जांच करेंगे उसे क्या कहते हैं, ऑडिट, साधारण भाषा में। ये जो ऑडिट जो वर्ड है, द टर्म ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। लैटिन वर्ड, ये कौन सा वर्ड से आया था जी, लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर विच मीन्स हियर। सब्जुक का जमाना में ना सुन सुन के ऑडिट होता था, तो पहले ऑडायर बोलते थे, समझ रहे, लैटिन वर्ड में क्या बोलते थे, ऑडायर, जिस समय हम लोग सुन सुन के ऑडिट करते थे। लेकिन बताइए कलयुग का जमाना में सुन के ऑडिट करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? सुन के अगर ऑडिट करें तो सामने वाला कुछ भी बता दे, दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को, समझ पा रहे हैं। तो ये अभी के ज़माने में कैसे ऑडिट होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन लिख करके होता है, जाँच पड़ताल करके होता है, समझे क्या बोले। तो ये ऑडिट टर्म कौन सा वर्ड से आया था जी, द टर्म ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर विच मीन्स हियर। जो व्यक्ति ऑडिट को करेगा उसे कहते हैं ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होना चाहिए, ऑडिटर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होना चाहिए, द पर्सन हु डन द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहेंगे, ऑडिटर। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाई। अच्छा, ऑडिटर आते आते आपका गलती बताना काम नहीं है उसका, आते आते गलती नहीं बताएगा, ये आपका गलती है, ये आपका गलती है, ये काम नहीं है, बट कमेंट करेगा। क्या करेगा, माने ऑडिटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डिटेक्ट टू एरर एंड फ्रॉड। उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि आते आते आपका गलती ढूंढ के बता देना, वो क्या करेगा, बट टू कमेंट, बट टू कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। वो कमेंट करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं समझे, शुरू से बोल रहे हैं। द टर्म ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स हियर। विच मीन्स जो व्यक्ति ऑडिट करेगा उसे क्या कहते हैं, ऑडिटर। ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर का ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करके बताए, बट प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कमेंट ऑन कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट भैया शो कर रहा ट्रू और फेयर व्यू कि नहीं। मानो वो कमेंट करेगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बना है या नहीं बना है। अब ट्रू एंड फेयर व्यू को साबित करने के लिए 3 कंडीशन, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पता किस चलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो इसके लिए 3 कंडीशन है। अगर क्लाइंट तीनों कंडीशन को फॉलो किया है, यानी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रहा ट्रू एंड फेयर व्यू, कंडीशन नंबर 1, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगा के, मैंने जहाँ पे जो AS लगना चाहिए उसी AS से बनाया है। तो पहला, अगर पहला कंडीशन क्या है, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड, मतलब जहाँ पे AS2 फॉलो करना चाहिए AS2 फॉलो किया। AS2 कहता है कि स्टॉक को FIFO मेथड से बनाइए, स्टॉक को कौन से मेथड से बनाइए, और क्लाइंट ने भी FIFO मेथड से बनाया है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, समझे क्या बोले। और मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि स्टॉक को आप मेंटेन करिए FIFO मेथड से, लेकिन क्लाइंट ने LIFO मेथड से फॉलो किया है, आपको क्या लग रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है क्या, नहीं। तो यहीं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, समझे। तो पहला क्या है, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइड। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्लाइंट का चेक करेंगे कि जितना का जितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है AS के हिसाब से बनाया या नहीं बनाया। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। इसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साल SLM मेथड चार्ज कर ले, अगला साल WDB मेथड चार्ज कर, ऐसा नहीं। अगर WDB मेथड चार्ज करे तो प्रत्येक साल उसका पॉलिसी WDB मेथड से ही होना चाहिए। माने अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। जैसे गुडविल पे मान लीजिए, गुडविल पे AS कहा है कि हमेशा हमें SLM मेथड फॉलो करना है। गुडविल, पेटेंट राइट, ये सब पे जो इनटेंजिबल एसेट है, इस पे AS का कहना है कि हमेशा हमें SLM मेथड फॉलो करना है, लेकिन क्लाइंट ने WDB मेथड फॉलो कर रखा है, क्या लग रहा है, पॉलिसी ठीक है कि गलत है? पॉलिसी गलत है, क्योंकि SLM मेथड फॉलो करना चाहिए, आपने क्या मेथड फॉलो कर रखा है, WDB। तो इस तरीका से ऑडिटर चेक करेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है या नहीं। अच्छा, मान लीजिए ऐसा, इनटेंजिबल पे इस साल SLM चार्ज कर लिया है, अगला साल WDB कर रहा है, क्या पॉलिसी ठीक है उसका?
पॉलिसी गड़बड़ हो जाएगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। तीसरा है एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट, एडिक्वेट डिस्क्लोजर गिवेन ऑन नोट्स टू अकाउंट, माने जो अकाउंट्स में लिखा है उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया। डिस्क्लोजर माने कैसे क्या हुआ है पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ नीचे। बैलेंस शीट तो एक पेज का होता है, एक पेज पढ़ के समझ जाओगे। किसी कंपनी का पीएल तो एक पेज का होता है, बैलेंस शीट कितना पेज का होता है, एक पेज का। तुम एक पेज से अंदाजा लगा लेगा क्या किसके अंदर क्या क्या हुआ है, उसके लिए तुमको क्या पढ़ना होगा, नोट्स टू अकाउंट क्या पढ़ना होगा। तो उस पर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, अगर दिया है, अगर तीनों का तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रहा ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड ऑडिटर विल नॉट गिवन एनी एश्योरेंस और गारंटी। ऑडिटर कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है कि आज जितना तरीका से ऑर्गेनाइजेशन जितने अच्छे तरीका से आज ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा उतना ही अच्छे तरीका से ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में भी काम करेगा, इसका हम कोई गारंटी नहीं देते। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए मेरे नज़र में ये अच्छे बच्चे हैं, अभी मेरे को अच्छे बच्चे लग रहे हैं, तो मैं क्या गारंटी दे दूंगा कि पूरा ज़िंदगी भर अच्छे रहें, कि मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ कि कमल इज अ गुड बॉय, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन भविष्य में भी गुड रहेगा इस बात का कोई गारंटी नहीं। तो ऑडिटर इस बात का कोई गारंटी नहीं देता है कि आज जितना अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा उतना ही अच्छे तरीका से ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में भी काम करेगा, इस बात का कोई हम गारंटी नहीं देते, कोई पुष्टि नहीं करते। हाँ, कमेंट करें कि अभी तो ठीक है भैया। तो ऑडिटर विल नॉट गिवन एनी एश्योरेंस और गारंटी बट कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट, बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। क्लियर है, पक्का पक्का। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट का डेफिनेशन समझे थे, बड़े अच्छा समझे थे हम लोग। क्या था ऑडिट का डेफिनेशन जी, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी ऑफ एनी। सुनिए, ऑडिट कौन सा एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट, कौन सा बोलिए, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होकर के जांच करेंगे, आत्मनिर्भर होकर के जांच करेंगे। अगर एक वर्ड में बात करें इंडिपेंडेंट का, अगर एक वर्ड में इंडिपेंडेंट का बात करें, यानी मेरा फैसला किसी का इच्छा का मोहताज नहीं है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। माने ऑडिटर जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का जांच करेगा तो इंडिपेंडेंट होकर के जांच करेगा, किसी के बोलने पे करने वाला ऑडिट नहीं है, अपने हिसाब से करेगा, समझ रहे हैं। माने ऑडिटर विल नॉट डांस ऑन द सिंबल ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के स्वरूप पे ऑडिटर डांस करने वाला नहीं, समझे। कैसे जांच करेगा, इंडिपेंडेंट, कौन सा बोलिए, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। क्या चीज़ का जाँच करेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, माने आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का जाँच करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में ही तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। ऑफ एनी एंटिटी माने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस फॉर्म, उसे कहते हैं एंटिटी। क्या कहते हैं, पहला लाइन क्लियर है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। पहला लाइन बोलो क्या बोलो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और, या तो लाभ कमाने वाला संस्था हो, या तो लाभ कमाने वाला संस्था, या तो उस संस्था से लाभ होता हो, या तो उस संस्था से लाभ